अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पार्टी वेयर कुर्ता सेट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप इसे किसी भी फेस्टिवल या फंक्शन वगैरह में वेयर कर सकते हैं। और मैंने इसे अजियो और अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल गए थे। चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से कुर्ता परचेज़ किए हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। तो मेरे पास हैं दो कुर्ता सेट। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला कुर्ता सेट दिखाती हूँ। ये मुझे कुछ इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था। ये मुझे आपको 80% ऑफ पे मिल गया था और ये ब्रांड है इंडिया की तरफ से। इंडिया ब्रांड के प्रोडक्ट जल्दी डिस्काउंट पे नहीं आते हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल गया। ये कुर्ता और प्लाजो का सेट है। सबसे पहले हम इसका कुर्ता देख लेते हैं। ये एक निविया ब्लू कलर का फॉल प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता दिया गया है। इसका फैब्रिक पॉलिस्टर है और ये ब्रांड है इंडिया की तरफ से। इसका प्राइस जो है 3,400 रुपये है, पर मैंने इसे आफ्टर डिस्काउंट 600 या 700 रुपये के आसपास में परचेस किया था। इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगा। इसका नेक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा नेक दिया गया है। इसको वेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, पूरे बाल ऐसे बिखर जाते हैं इसको जब वेयर करो तो। और इसके फ्रंट में इस तरह से बटन का लुक दिया गया है, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। और नेक पे इस तरह से गोटा पट्टी का लेस लगाया हुआ है और इस तरह से फॉल प्रिंटिंग की गई है, जो कि ब्लू कलर पे गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस पर प्रिंट। और इसमें आपको 3/4 स्लीव आ जाएगी। स्लीव पे भी इसी तरह से प्रिंट दिया गया है। ओवरऑल पूरे कुर्ता पे इसी तरह से आपको फॉल प्रिंटिंग मिल जाएगी। अब ये नहीं पता कि वॉश करने के बाद ये प्रिंट रहेगा या जाएगा। और ये इसका बैक, वैसे इसमें साइड में ज़िपर वगैरह कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर इंडिया ब्रांड के कुर्ता में साइड में ज़िपर दिया गया होता है, पर इसमें ज़िपर नहीं है। और इसके अंदर आपको सैटन फैब्रिक का लाइनिंग भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो ये इसका पूरा लुक, ये इसका फ्रंट पार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता है, आपको नीचे से थोड़ा कट करवाना पड़ेगा। और ये इसका बैक, बैक पे भी सेम प्रिंट है। अब मैं आपको इसका प्लाजो दिखाती हूँ। तो ये इसका प्लाजो, ये भी निविया ब्लू कलर का फॉल प्रिंटेड प्लाजो है। इसके फ्रंट में इस तरह से हुक और जिपर दिया गया है। ये एकदम से पैंट स्टाइल प्लाजो है और बैक साइड में इलास्टिक दिया गया है। इलास्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको दोनों साइड में पॉकेट मिल जाएगी। पॉकेट लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटी पॉकेट है, इसमें बड़े साइज़ का मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इसमें टिश्यू रुमाल वगैरह रख सकते हैं। और इसमें पूरे प्लाजो पे इस तरह से फॉल प्रिंटिंग दी गई है। इस प्लाजो का फैब्रिक भी पॉलिस्टर है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लाजो है। और इसके अंदर आपको सैटन फैब्रिक का लाइनिंग भी दिया गया है। तो ये इसका प्लाजो, प्लाजो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लाजो है। और ये इसका बैक, तो ये था इसका रिव्यू। पर्सनली ये कुर्ता प्लाजो सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप अगर इसके साथ गोल्डन कलर का दुपट्टा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा। नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का कुर्ता शरारा सेट है विद दुपट्टा के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता ही दिखा देती हूँ। ये ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है। इसका फैब्रिक जॉर्जेट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट इसमें यूज़ किया गया है। ये इसका नेक, इसका नेक बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेक इसमें दिया गया है। ये इसका फ्रंट नेक है। और इसका स्लीव, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे इसका स्लीव ही लगा था।
इसका स्लीव मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आपको बेल स्लीव मिल जाएगी और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्लीव में बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है। स्लीव पे इस तरह से सीक्वेंस का वर्क दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर पे गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है। नीचे इस तरह से गोटा पट्टी का लेस दिया गया है। और इसके साइड में जिपर भी दी गई है जिसे ओपन करके आप इजीली वेयर कर सकते हो। ऊपर की साइड प्लेन दिया गया है और नीचे की साइड इस तरह से फ्लेयर दिया गया है जिसपे सीक्वेंस का वर्क दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है। बैग में बहुत ही ज़्यादा डीप नेक दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेक इसमें दिया गया है और साथ ही इसमें डोरी भी लगी हुई है, नीचे इस तरह से लटकन भी लगे हुए हैं। आप चाहे तो इसमें छोटे मोटे झूमर या कुछ भी अपने पसंद के लटकन लगा सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैक से भी सेम पैटर्न है, ऊपर की साइड एकदम प्लेन है और नीचे की साइड एम्ब्रॉयडरी ऐसे सीक्वेंस कवर दिया गया है। इसके अंदर आपको सैटन फैब्रिक का लाइनिंग भी मिल जाएगा। ये इसका प्लाजो, प्लाजो भी आपको सेम कलर में दिया गया है। इसका फैब्रिक जो है ऊपर की साइड सिफॉन दिया गया है और इसके नीचे की साइड जॉर्जेट यूज किया गया है। इसमें भी आपको इस तरह से सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये इसकी कमर, इसमें पूरा इलास्टिक दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है। और इसके अंदर भी आपको सैटन फैब्रिक का लाइनिंग मिल जाएगा। तो ये था इसका प्लाजो। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये एक पैरट ग्रीन कलर का सॉफ्ट नेट का दुपट्टा है। इसकी लेंथ आपको 2 मीटर तक मिल जाएगी और इसकी चौड़ाई आपको 1 मीटर तक मिल जाएगी। तो ये था इसका रिव्यू। ये दोनों कुर्ता सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन वाले का नेक बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेक दिया गया है और जो ब्लू वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा नेक दिया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, लेकिन दोनों का लुक और दोनों का फैब्रिक और दोनों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। वैसे ये ग्रीन वाले में और भी कलर अवेलेबल थे, आप चाहें तो वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन वाले में सीक्वेंस का वर्क बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा था। बाकी जो कलर्स थे उसमें सीक्वेंस का वर्क उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसका ग्रीन वाला कलर परचेज किया। ये वाला कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।